तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरे कपड़े काफ़ी लूज़ हो गए हैं पहले से, और मुझे ना काफ़ी दिनों से सब लोग कह रहे थे कि मैंने अपना वेट काफ़ी लूज़ कर लिया है, और मैं वेट लूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं चीज़ें यूज़ कर रही थी। और आपके साथ मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें वो शेयर करूँगी कि मैंने कैसे अपना वेट लूज़ किया है। छोटी मेरी जब बेटी पैदा हुई है तो मेरा ना वेट उस वक्त काफ़ी बढ़ गया था, और उसके बाद ना मैंने काफ़ी तेज़ी से अपना वेट जो है ना लूज़ किया। तो एक जो चीज़ है वो मैंने डाली भी है वीडियो वेट लूज़ की आपके लिए, तो वो इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग से पहले या व्लॉग के फौरी बाद मिल जाएगी। और उसके अलावा भी जो मैंने किया वेट लूज़ के लिए, आपके साथ मैं सारी अपनी जो रेमेडीज़ हैं वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं सुबह नाश्ता करने लगी थी, तो नाश्ते में ये मीठी स्टिक्स हैं और चाय है। और मैंने बिल्कुल भी जो डाइट की है ना उसमें मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, बस क्वांटिटी कम की है। तो आप में भी अगर किसी ने वेट लूज़ करना है तो छोड़ा कुछ मत किया करें, क्योंकि ना क्रेविंग इस कदर बढ़ जाती है कि आप बिल्कुल भी वेट लूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप अगर सिर्फ क्वांटिटी कम कर दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि आप छोड़ दो पूरा दिन कुछ ना खाओ, अगले दिन फिर इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि फिर आप हाथ नहीं रोक पाते। तो उसके बाद जी मैंने राइस बनाए थे थोड़े से, मैंने ना नरम नरम राइस रखे थे, क्योंकि मेरी ना बेटी को बुखार था कल से, उसे रोटी डॉक्टर ने कहा था कि नहीं देनी आपने, राइस देने हैं। तो इसलिए मैंने ना थोड़े से नरम नरम से उसके लिए राइस बनाए थे, थोड़े से मटर और थोड़े से आलू डालकर। और यहाँ पर मैं पहले उसे खाना खिला दूँगी, और उसके बाद एक दो जो छोटे छोटे काम है, बल्कि आज मेरा ना बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा कोई काम करने को, आज दिल कर रहा है बस मैं अपनी प्रिंसेस को लेके बैठी रहूं। बेचारी ना काफ़ी लेज़ी हुई भी है, और बड़ी ज़िद भी करना शुरू हो जाती है जब बीमार पड़ती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वैसे मेरी बेटी बहुत कम ही बीमार पड़ती है, तो माशाल्लाह से 1.5 साल की होने वाली है, उसने मुझे कभी इतना तंग नहीं किया। और बस अगर कभी इस तरह करके बुखार हो जाए तो फिर ना थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो जाती है, आपको बच्चा बुखार में बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। और यहाँ पर जी अब मेरी लाडो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, पूरा दिन गुजर चुका था, शाम का टाइम है और शाम की चाय इंजॉय की जा रही है। और इस वक्त ना अक्सर मैं शाम को ना 5 बजे 5:30 बजे मैं चाय बनाती हूँ, और साथ में छोटी के लिए मैं फ़्राइज़ बनाती हूँ, लेकिन आज ना उसके लिए मैंने फ़्राइज़ नहीं बनाए थे, क्योंकि उसकी तबीयत आपको मैंने बताया कल से बड़ी ख़राब थी। और यहाँ पर मैं ना रात के लिए खाना बना रही थी, आज मैं बना रही हूँ जी आलू बैंगन का सालन। आज मुझे ना काफ़ी दिन हो गए थे आलू बैंगन नहीं बने थे घर में, तो बाकी सारी सब्जियाँ बनती रहती हैं। तो हमारे घर में ज़्यादा शौक से ना आजकल सीज़न है भिंडी का और करेले का, तो ज़्यादा वीक में ना एक दफ़ा भिंडी और एक दफ़ा करेले तो मस्त भी बन रहे थे। तो मैंने फिर आज कहा कि नहीं जी, आज काफ़ी यानी दिन नहीं बल्कि महीने से ऊपर हो गया था बैंगन नहीं बने थे, तो आज फिर मैंने ना बैंगन बनाए हैं। और प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन किया था, उसमें मैंने टमाटर सारे मसाले डाल दिए थे। जब मसाला रेडी हुआ तो मैंने आलू और बैंगन उसमें डाल के और उसे अच्छे से मिक्स किया। और मेरी ये छोटी सी एक टिप है कि अगर आपके घर में बैंगन किसी को पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से बनाएं, जब आप इनको भूनने लगो ना तो सिर्फ 1 टीस्पून के करीब आपने सूखी मेथी ऐड कर देनी है, और आप देखना इतना मज़े का टेस्ट बनेगा सूखी मेथी ऐड करने से कि जो आपके घर में बैंगन नहीं खाता वो सभी शौक से खाने लगेंगे। मेरे बाबा बैंगन नहीं खाते बिल्कुल भी, तो जैसे ही मैंने ये मेथी वाला काम स्टार्ट किया है, थोड़ी सी मेथी मैं डाल देती हूँ खुशबू के लिए, और इसका फ्लेवर भी बड़ा मज़े का हो जाता है, और वो ना खाना स्टार्ट हो गया जी आलू बैंगन। यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है, मीडियम सी आँच कर दी थी, दम वाली जिसको बोलते हैं, मैंने आँच कर दी थी इसकी। तो उसके बाद मैंने ना इसको कवर कर दिया था 10 से 12 मिनट के लिए, और ये बहुत अच्छे से ना कुक हो चुकी है। मैंने सिर्फ आपने देखा होगा हाफ से भी हाफ कप चौथाई कप मैंने इसमें पानी ऐड किया था, और बड़े मज़े के ना बैंगन जो है
रेडी हो चुकी है, तो अब छोटी बहन बनाएगी रोटियां और फिर हम रात का खाना खाएंगे, और उसके बाद मैं आपके साथ अपनी लिपस्टिक्स की जो कलेक्शन है वो शेयर करूंगी। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक्स हैं जो मेरे यूज़ में रहती हैं, जो तकरीबन हर कपड़ों के साथ मेरे ना चल जाती हैं। तो यहाँ पर जी रात का टाइम था 11 बजे का, आज मौसम बड़ा अच्छा था, बारिश वाला हो रहा है मौसम, और इसलिए बार बार ना चाय का जी चाह रहा था। तो इस पर रात के 11 बज रहे हैं और बाहर का मौसम इतना अच्छा है, आंधी वाला थोड़ा थोड़ा मौसम हो रहा है, बल्कि आंधी नहीं, थोड़ी बहुत तेज़ सी हवा चल रही है, और बाहर बैठ के चाय पीने को ना जी चाह रहा था, और हमने फिर रात को ना चाय जो है बाहर बैठ के पी थी, बड़ा मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था। और उसके बाद जी रात को बाहर बैठे हुए थे, और यहाँ पर जी मैं लिपस्टिक आपके साथ अपनी कलेक्शन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 3 लिपस्टिक हैं मेडोरा की हैं, और 4 मेरे पास लिपस्टिक्स हैं क्रिस्टाइन की, और क्रिस्टाइन की जो लिपस्टिक हैं सबसे मेरी फेवरेट हैं, और सेकंड पर मुझे मेडोरा की लिपस्टिक्स बड़ी पसंद हैं। और यहाँ पर एक लिपस्टिक मेरे पास रह गई है जी बी क्यूट की भी मेरे पास काफ़ी रेंज थी, लेकिन जैसे जैसे ख़त्म हुई उसके बाद मैंने दोबारा बाय नहीं की। और क्रिस्टाइन की लिपस्टिक जो है ना वो मैं बार बार बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी क्रिस्टाइन की बहुत पसंद है। और 4 मेरे पास लिपस्टिक हैं कॉस्मे की, ये एक्चुअली मेरी नहीं है, ये कॉस्मे की जो लिपस्टिक्स हैं ये ना मेरी छोटी सिस्टर की हैं, ये बस मैं आपके साथ वैसे ही इसका ना वो शेयर कर रही हूँ, इनके जो शेड्स हैं, कलर्स हैं, नंबर्स हैं, अगर किसी ने परचेज करनी हो तो। फर्स्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी क्रिस्टाइन की लिपस्टिक है, बड़ा प्यारा इसका शेड है, पिंक सा इसका शेड है, ये लगी हुई इतनी प्यारी लगती है, वाइट कपड़े हों या ब्लैक ड्रेस हो उसके साथ इतना मज़े का ये कलर है। अगर आपने वैसे भी कोई भी घर में रफ़ कपड़े भी पहने ना उसके साथ ये शेड लगा लें तो इतना मज़े का लगता है ये शेड। और 10 नंबर है ये क्रिस्टाइन का, और मैं काफ़ी हद तक इसे आपने देखा यूज़ कर चुकी हूँ। और सेकंड पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये है जी क्रिस्टाइन का मेरून सा कलर है, बड़ा प्यारा है, मेरून रेड मिक्स है ना, इसको आप रेड बोल सकते हैं ना मेरून बोल सकते हैं, रेड और मेरून मिक्स है। 24 नंबर है ये, इतना इस लिपस्टिक की बड़ी मज़े की स्टोरी है, ये लिपस्टिक 3 दफ़ा मुझसे ले ली गई थी, 2 दफ़ा मेरी कज़न ने ले ली थी, 1 दफ़ा आई थिंक शायद मेरी मुमानी ने ली थी, तो उनको ये शेड बड़ा पसंद आया था, मैंने फिर उनको दे दी थी, और 4th दफ़ा मैंने ये फिर से बाय की थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और 3rd पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्राउन कलर, ये भी बड़ा मज़े का शेड है, और इसको वैसे मैंने कम ही यूज़ किया है क्योंकि मुझे मेरे फेस पर ये इतना सूट नहीं करता। 19 नंबर है इसका और क्रिस्टाइन का, और मुझे ज़्यादा ना शोक कलर जैसे कि शोकिंग हो गया, मेरून हो गया, रेड हो गया, इस तरह के कलर मेरे फेस पे ज़्यादा सूट करते हैं, ब्राउन और ऑरेंज इस तरह के कलर कम सूट करते हैं। तो यहाँ पे शोकिंग सा कलर है ये ना, शोकिंग और पर्पल का मिक्सर सा कलर है, मिक्स है, और ये है जी 312, इसका नंबर है, बड़ा ज़बरदस्त सा शेड है ये भी। और इसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ जी मेडोरा के जो मेरे पास शेड हैं, ये भी बड़े मज़े के हैं, ये भी मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है मेडोरा के। क्रिस्टाइन और मेडोरा का ना ये कमाल है कि ये फटाफट से लग जाती हैं, और ये भी बड़ा मज़े का शेड है, बहुत ही प्यारा सा शेड है इसका भी, और इसका ना काफ़ी हद तक ना पीछे से जो है ना स्क्रैच हो चुका है, मुझे इसका नंबर बिल्कुल भी जहन में नहीं है इसका क्या नंबर था, और पीछे से ना मेरी लाडो ये उठा लेती है और अपने दांतों के साथ ना इनको स्क्रैच करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ना काफ़ी चीज़ों के मेरी बेसों के नंबर और इनके ना नंबर ख़त्म हो चुके हैं। ये भी मेडोरा का बड़ा प्यारा शेड है, और ये ना बहुत ही सॉफ्टली यानी 2 दफ़ा आप लिप्स अप्लाई करो और माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग जाते हैं। ये मेडोरा का नंबर है जी 225 है आई थिंक, हाँ जी जी 225 है इसका शेड, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, और तकरीबन हम मोस्टली हर ड्रेस के साथ ये कलर ना चला जाता है। 3rd है मेडोरा का रेड कलर, ये रेड पटाखा सा कलर है, बड़ा प्यारा कलर है, और ये ब्लैक सूट के साथ तो क्या ही बात है, बड़ा ही मज़े का लगता है ब्लैक सूट के साथ ये वाला कलर लगा हुआ। ये आपने अगर किसी ने बाई करना हो तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े का है। 576 इसका नंबर है,
और बड़ा मज़े का कलर है ये। यहाँ पे बी क्यूट की एक ही रह गई है मेरे पास लिपस्टिक, ये भी बड़ा मज़े का शेड है और ये भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। अब देखिए बहुत ही कम सी रह गई है और इसको मैं कैजुअल यूज़ करती हूँ, डेली बेस पे मैं तकरीबन इसको लगा लेती हूँ क्योंकि ये लाइट लाइट सा कलर है, डेली बेस पे लगा हुआ बड़ा प्यारा लगता है घर में। और ये इसका नंबर है जी 356 मिडोरा, बी क्यूट का है जी 356 नंबर है, बहुत प्यारा है, कैजुअल वेयर के साथ आप पे बड़ा सूट करता है और तकरीबन ये सांवला कलर हो फेयर कलर हो सब पे सूट करता है, बी क्यूट का 356। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा रही हूँ जी कोस्मे की, ये देखिए कोस्मे का थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि इसको घिसा के लगाना पड़ता है। शेड इनके भी अच्छे हैं प्यारे हैं लेकिन ये ना बड़ी बड़ी ना ड्राई हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, क्रिस्टाइन की और मिडोरा की इनका ये मसला है बी क्यूट का कि ये ड्राई नहीं होती, जितनी देर आप मर्जी पड़ी रहें एक्सपायर हो जाएंगी मगर ये ड्राई कभी नहीं होती। ये जी 39 नंबर है कोस्मे का, और कोस्मे का सेकंड जो मैं आपको चेक करवा रही हूँ ये भी शेड बड़ा प्यारा है लेकिन अगेन के बार बार इसको लगाने से ये कलर आता है, वैसे एकदम से ये कलर नहीं आता, इसको घिसा के लगाना पड़ता है। तो ये पिंक कलर है कोस्मे का, शेड इसका भी बहुत प्यारा है, इसका नंबर है जी 06 कोस्मे का नंबर है। और थर्ड पे कोस्मे की जो लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ इसका शेड भी बहुत प्यारा है और यहाँ पर ये इसका शेड है ऑरेंज और पिंक मिक्स सा कलर है, ये बड़ा प्यारा शेड है इसका और इसका नंबर है जी 01। एक्चुअली इन लिपस्टिक की एक ये ख़ास बात है कि मेरी सिस्टर को सिर्फ यही वाली कोस्मे की लिपस्टिक सूट करती हैं, बाकी ना उसे जो लिपस्टिक की ना हर तरह की कोई भी लिपस्टिक हो उसे स्मेल चढ़ जाती है, पता नहीं क्यों उसको ना हर लिपस्टिक से एलर्जी है, सिर्फ कोस्मे की लिपस्टिक वो लगा सकती है। फोर्थ पे मेरे पास है जी कोस्मे का 13 नंबर, इसका शेड भी बहुत ही प्यारा है। और ये सारी थी जी हमारे पास लिपस्टिक की जो कलेक्शन है, तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी लिपस्टिक की कलेक्शन आपको कैसी लगी है और जो आपके पास लिपस्टिक्स हैं मेरे साथ वो भी शेयर कीजिएगा और किस किस ब्रांड की किस किस को लिपस्टिक अच्छी लगती है मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जी यहाँ पर बच गया है रात का 1:30 और एज़ यूजुअल मुझे लग गई है भूख और फ्रिज देखा था फ्रिज में पड़े थे आम, आम तो आपको पता है फलों का बादशाह है और सबको बड़े पसंद होते हैं और जी मैं खाने लगी हूँ आम। और इन आई होप कि आप मेरे व्लॉग से बोर नहीं हुए होंगे, आपने मेरा व्लॉग इन्जॉय किया होगा और जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलूंगी मैं आपके साथ नए व्लॉग में नई रेसिपीज़ के साथ नई रेमेडीज़ के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़।